All right, hello guys. Thank you very much for joining us today. Uh we have a great episode for you today because yeah, episode actually, you know, this is somebody I've had on the show before. I've I've been meaning to

तो yeah, so, हमने इसके बारे में पिछली बार बात की थी दो तीन हफ्ते पहले हमने uh, yeah. बात की थी आपकी किताब के बारे में द मंक उत्तर दंक हुई एंड उसमें यू you नो know, उस उसमें हमने बात की थी इलेक्शंस के बारे में कि हो सकता है इलेक्शंस में क्या होगा किस तरह के रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड रिजल्ट्स के बाद आपने एक आर्टिकल लिखा था स्वराज्य मैगजीन में आई बिलीव वाज की हाउ अखिलेश नॉइजी कैंपेन वो किस तरह से फेल हुआ है वो कैंपेन एंड यू आर राइट इट वॉज अ वेरी नॉइजी कैंपेन काफी हल्ला मचाया गया था कि भाई आ रहे हैं अखिलेश यू नो तुम्हें यू की यूपी बुलाता है कब आओगे अखिलेश इतने बड़े बड़े भीड़ की लोग बात कर रहे थे कि देखिए कितनी बड़ी बड़ी भीड़ आ रही है इनके कैंपेन्स में बड़े बड़े लीडर्स जो हैं बीजेपी कैबिनेट से डिफेक्ट करके चले गए हैं प्रकाश मौर्य ने तो पूरी बाजी ही बत पलट दी है उस तरह तरह की चीजें आ रही थी बट इन सारी चीजें होने के बावजूद हमने ये देखा कि अच्छा आ, इन सर ये सारी चीजें तो थीं उसके ऊपर से आपका कोरोना वायरस का इतना बड़ा प्रॉब्लम था जिससे इतनी सारी फैमिलीज डेवलप हुई थी इकोनॉमी पर इतना बड़ा असर पड़ा था जनरली भी पिछले सैतीस साल से उत्तर प्रदेश में इतनी मैसिव एंटी इनकमसी रहती है कि कोई भी पार्टी दो बार जीत कर नहीं आई है सो डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज हर्डल्स इतना हल्ले के बावजूद

So while writing these two books, I'm living Yogi Adityanath like more than him almost from last 5 years. So yeah. it's it's that research and analysis and talking to thousands and thousands of people, right? With a very a very intelligent randomized samples. So Yogi क्यों आया? ये तो हमने एक तरह से बात कर चुके हैं ना? क्या अच्छा काम हुआ? उस beneficiary voter, all of that, right? लेकिन Akhilesh ने जो campaign करा, जो noisy campaign था। मैं noisy इसलिए huh. नहीं कह रहा कि उसमें शोर था, शोर। तो भाजपा के campaign में भी था, क्योंकि जैसे मैं स्वामीनाथन अयर जी के आर्टिकल कोट करूंगा जो उन्होंने चार दिन पहले लिखा था आखिरी पोलिंग से said, hmm. rally. Rally बड़ी थी, चुपचाप थी एंड ही टुक द डिसिप्लिन डिसिप्लिनिप्लिन बीजेपे रैली डिसिप्लिन होती है अच्छा. क्योंकि जब तीन चार लाख लोग होते हैं इट्स नॉट इजी टू मैनेज क्राउड क्राउडीड होना मतलब यूं है इतना आसान है राइट right? yeah. तीन चार लाख लोगों को मैनेज करना राइट right?

है ना हम लोग तो स्कीम का नाम पता कर लेते हैं उज्ज्वला योजना है गैस का सिलेंडर कैसे आता है गैस के सिलेंडर के साथ पाइप रेगुलेटर भी मिलता है अब हमारे लिए तो छोटी सी चीज है पाइप भी डेढ़ सौ रुपए का आता है अब आई नेवर रियलाइज कि पाइप भी मिलता है साथ में जो गैस का पाइप होता है सिलेंडर से तो लोग कहते हैं सर पाइप भी दिए हैं मोदी जी गैस का रेगुलेटर भी दिए हैं योगी जी है ना पूरा बताते थे वो लोग ना सो आई यूज्ड टू टू गेट नो अच्छा ऐसे मिलता है अपनी सर वो मोदी जी की गैस पे चाय बना के बुलाते हैं तो उनका जो सेंटिमेंट जुड़ा रहा है उसके ना जैसे हम लोग कहते हैं ना चूल्हे की रोटी खानी है मोदी जी की गैस हो जाती है योगी जी की गैस Hmm. तो ये मुझे कोई अपना टॉयलेट दिखाता था कोई घर दिखाता था कोई मोबाइल में दिखाता था लल्ला देखो ये दो हजार रुपए आए हैं उनका जो छोटा टिक टिक मोबाइल होता है <laughs> ये, ये हजार रुपए आए या आठ सौ रुपए है ये ओवरवेलमिंगली मुझे दिखता था तो मुझे लगता था कि ये कोरोना वेव के पहले की रिसर्च ज्यादा है मैंने लगा, yeah, लगा कि ये तो फाइन लार्ज स्वाइन फिर करोना वेव आई फिर करोना वेव में जो हुआ वी ऑल नो राइट करोना वेव में जो अमेरिका में हुआ स्पेन में हुआ यूएस में हुआ यूके में हुआ लकली पीपल दैट पीपल इन द ग्राउंड ऑल्सो नो दैट Yeah. भाई ये बहुत बुरा बहुत बुरी महामारी थी इट्स इट्स अ अ पेंडेमिक एंड नॉट लाइक सुनामी राइट किसी भी सरकार के लिए मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था वो सबको बचा पाए राइट बट व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू आर यू पुटिंग द एफर्ट एट लीस्ट और नॉट राइट तो वहां पे मुझे जब मैं कोरोना के बाद जाना शुरू हुआ और मैंने डेविल्स एडवोकेट बनाया यार ये तो इतने लोग ऐसे हो गए दवाई नहीं मिली वो तो लोग नहीं दवाइयां तो हमें मिली है हमारे तो घर में लोग आए हैं हमारे घर में लोग चेक करने आए हैं हमें तो एक बार कोरोना हो जाता तो चार बार फोन आता था वो कोविड अच्छा। सेंटर से कि आपकी अब हाल कैसा है बल्कि कई बार तो इतना आता था सो नहीं पाते थे वो सोते थे, थे तो फिर फोन आता था तो ज्यादा ही फोन आता था चेक करने के लिए <laughs> और फिर ये बोलते थे कि भाई योगी जी और क्या कर सकते थे वो तो डेली सड़क पे थे और लोगों को पता था वो तो अमेरिका में भी लोग मर गए वो तो फ्रांस में भी ऑक्सीजन खत्म हो गई पीपल वर अवेयर आजकल इतना 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 प्रचार है और लोग ने मुझे सच में गोरखपुर के पास देवरिया के पास एक गांव में एक आदमी ने बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज करा

इन सीएम की सैलरी में तो नहीं आता है वो घर है ना <laughs> तो लोगों को पता है ना ऑल ऑफ पीपल नो ऑल ऑफ दिस राइट यार वो क्या कर लेते मतलब जब मेरा जो चार बजे उठ के रात के बारह बजे उठने वाला सीएम हु पब्लिक हेल्थ वेरी वेल जिसने ऑलमोस्ट जैपनीज को एरेडिकेट कर दिया जो डब्ल्यू से लेकर आई कानपुर से लेकर ऑस्ट्रेलियन एमपी से लेकर सबके सबकी तारीफे ले रहा है वो जितना कर पाया वो मैक्सिमम हो सकता था उस कंडीशन में राइट तो ये 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 मुझे ओवरवेलमिंग सुनाई देती थी Okay. और जब मुझे सुनाई देती थी तो अखिलेश को भी सुनाई देती होंगी मतलब हमसे आके नहीं बोलेंगे वो बट ही इज इज स्मार्ट लेकिन लेजी व्हाट राइट जितने भी नए नेता हैं हैं जो 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 अपने पिताजी से विरासत में लिए मुलायम सिंह यादव ने मेहनत करी है लालू प्रसाद यादव ने मेहनत करी है। उनके लड़कों ने नहीं करी हाँ. उनके लड़कों को तो बिल्कुल हाथ में बैठा बैठा मिल गया वो मुस्लिम यादव मुस्लिम यादव के नाम से थोड़ा उसको आगे बढ़ा रहे हैं राइट चार चार साल में या इस ढाई साल की पार्लियामेंट में ढाई साल से पार्लियामेंट में ढाई बार आजमगढ़ नहीं गए उनकी हाँ. पार्लियामेंट में अटेंडेंस पता है कितनी है शाम थर्टी थ्री परसेंट मतलब फेलर फेलिंग फेलिंग फेलिं, पासिंग मार्क्स भी नहीं है राहुल गांधी से भी कम कैन यू इमेजिन किसी की राहुल गांधी से कम अटेंडेंस हो राहुल गांधी दैट इज एन अचीवमेंट हां वो अचीवमेंट अपना राहुल गांधी कितनी है 48 या 47% ना अच्छा तो तो और यू नो व्हाट इज द नेशनल एवरेज आर एमपीज आर वेरी गुड नेशनल एवरेज इज 85 एंड 90 oh. yeah. ज को एन बिकॉज ऐसे भी हैं कुछ तो राहुल गांधी से जीत जाऊंगा ऐसा उन्होंने ख्याल बना लिया अब दो ढाई महीने पहले वो जगह अरे इलेक्शन आ गया इलेक्शन आ गया इलेक्शन आ गया अब क्या करें टीम को बुलाया तो उन्होंने बोला सर वो तो ग्राउंड की आवाजे तो बहुत स्ट्रॉग है

उससे कम से कम जो फ्रेंच वोटर है जो यादव वोटर है जो मुस्लिम वोटर है उसको ये मैसेज जाएगा मैं जीत रहा हूँ उसको केवल ये मैसेज देगा मैं जीत रहा हूँ राइट right? अखिलेश आ रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं mm. बुला अखिलेश आ रहे हैं वो उन्होंने स्मार्टली करा भी तो उसने क्या करा अखिलेश ने एवरी वीक टेन डेज ही स्टार्टेड क्रिएटिंग सम बिग न्यूज मौर्या हाँ। ने ज्वाइन कर लिया कैबिनेट मिनिस्टर ने छोड़ दिया ओ माय गॉड बीजेपी गई मौर्य सपोर्ट गया अब तो मौर्य एक वोट नहीं देगा ठीक है

PM किसान का पैसा दो हजार रुपए के लिए थी, के कर से कुछ नहीं होता राइट right? yeah. तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ लास्ट ईयर ऑफ अखिलेश सेवन सेवन लाख मीट्रिक टन लास्ट ईयर ऑफ योगी आदित्यनाथ फिफ्टी लाख मीट्रिक टन एक oh, गुना दो गुना नहीं आठ गुना एट टाइम्स इट्स नॉट इजी आपको नई मंडियां खोलनी पड़ती है की खोलनी पड़ती है और सबका पैसा डिबिटी जा रहा है कोई वेट नहीं हो रहा है कोई पर्ची नहीं कट रही है सीधे डिबिटी आपने बेचा आपको तीन दिन में डिबिटी हो गया आपको आ गया, आ गया गया इतना पैसा मिला पीपल हैप्पी किसान गन्ना किसान का अनप्रेसिडेंटेड पेमेंट हुआ जो सालों से नहीं हुआ था सो so, फार्मर्स और हैप्पी और नरेंद्र मोदी की जो स्कीम्स थी पुरानी इरिगेशन की फर्टिलाइजर की नीम कोटेड यूरिया वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लास्ट मिनट इससे किसान लार्जली खुश था अब अखिलेश यादव ने क्या कर मैं क्या करूं किसान आंदोलन किसान आंदोलन लखीमपुर खीरी ठीक है आप थोड़ा हल्ला अब मतलब जो राकेश लेकेश के बूथ पे भी बीजेपी को ज्यादा वोट 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 मिला 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 है 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 वो भी चार गुना ज्यादा ज्यादा उसके गांव में वोट मिला है। उसके में लखीमपुर तो खीरी तो सारी सीटें जीत गए मतलब तो देखिए आप आप ड्रामा करते रहे ड्रामा करते रहे ये पहला ड्रामा खत्म हुआ मतलब आपने किसान जो सच में खुश थे आपने उसको दबाना चाहा एक झूठे किसान आंदोलन से जो नहीं हुआ कल सुप्रीम कोर्ट की जो जो कमेटी थी उसका भी रिपोर्ट आ गई कि 83, 84 पीपल लाइक द थ्री लॉज आल्सो तो वो पता लग गया ठीक है आपने ड्रामा क्रिएट कर दिया हुआ क्रिएट कर दिया यू हैप्पी हमने मोदी को हरा दिया हमने मोदी को लॉ वापस लेने से मजबूर कर दिया क्या हुआ कुछ नहीं हुआ पहला दूसरा लॉ एंड ऑर्डर वॉज लाइक द बेस्ट थिंग दल सेम बिलीव इन बिलीव मी वो तो मैं बड़े, आराम, बड़े, से, भी नो बड़े, बड़े आराम से यू एक एक ऐसी हालत थी क्योंकि तो मैं उस समय बच्चा था 90s के दशक में मुझे पता है किस किस तरह का सिचुएशन था हमारी हम लोग की मम्मी बोलती थी कि यार पांच बजे के घर छह बजे के बाद घर आओ बजे के बाद रहना अलाउड नहीं है लोग घर के

लॉ एंड ऑर्डर चाहे स्कूल जाने वाला बच्चा हो बच्ची हो कॉलेज जाने वाला बच्चा हो शाम को लेट ट्यूशन जाने वाला बच्चा हो बिजनेसमैन हो बैंक वाला लिए उन्नाओ 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 हाथरस hmm. हाथरस हाथरस लखीमपुर खीरी चार केस पकड़ लिए दे नेवर केसों में भी जो एक्शन था yeah. मंत्री का बेटा कब पकड़ा गया मुझे आप बताओ आपको दस केस बता दो मंत्री का बेटा पकड़ा गया भारत में पहले बोला एफ नहीं होगी चौथे दिन एफ होगी पकड़ा नहीं जाएगा पांचवें दिन पकड़ा गया कुछ नहीं होगा कोर्ट में केस चल रहा है राइट? अब लोगों को दिख रहा है ना अब आप चिल्लाते मैंने गलती करी मेरे पिताजी को क्यों पोजीशन छोड़नी पड़ेगी कौन सा जूरियो है वो कौन सा लॉ है वो तो अगर अपनी डिमांड्स को इतना बड़ा कर दिया कि बहुत सारे कहा राम मंदिर से मतलब अयोध्या का आदमी नहीं उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं भारत का आदमी नहीं पूरे विश्व का हिंदू खुश है इन्होंने क्या करा आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर एक फेक लैंड डीलिंग का केस बता दिया कि जो जो आ, राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो गबन कर रही है लैंड का एक आर्टिकल लिखवाया इन्होंने चंपत राय ने करी भूमि चंपत अब चंपत राय जी बी के एक सीनियर आदमी है उनको किसी ने सामने से देख लिया ना वो फटी बनियान में दाल रोटी खा रहे होते हैं अपनी मतलब बहुत सारे लोगों को इतना गुस्सा आया वो न्यूज पढ़ के कि हाउ कैन यू टेल अबाउट चंपत राय जी चंपत राय जी ने अपनी हड्डियां गला दी इस केस को जीतवाने के लिए एक एक डॉक्यूमेंट एक, एक डॉक्यूमेंट का इंग्लिश ट्रांसलेशन वो लगे हैं हिस्टोरियन से साधु संतों से चाहे वो फारसी वाले डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने में मतलब जिससे एक भी डॉक्यूमेंट कम ना पड़े प्रूफ प्रूफ का आप कह रहे हैं चंपत राय जी ने चंपत कर दी जमीन उससे लोगों को और दुख होगा और गुस्सा आएगा उनको ना तो, ना तो सोशलॉजिकल सेंस है चंपत राय जी है कौन और एक झूठा केस बना के सोचा ये लोग राम मंदिर के अगेंस्ट में जाएगा कैसे जाएगा भाई अयोध्या की सीट हार जाएंगे माहौल बना दिया बीस हजार से जीते हैं सीट वेद प्रकाश जी गुप्ता जी जीते हैं वहां से ऐसे उन्होंने बहुत सारे फेक केसेस बनाने की कोशिश करी जैसे वो राफेल में बनाने की कोशिश करी थी और राहुल गांधी को दो बार माफी मांगनी पड़ी राइट <laughs> तो एक तो प्रोपगंडा मैं मानता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी वर्ल्ड ओवर प्रपोगंडा करती है लेकिन आप प्रगंडा में जीने लगे आपको लगा कि वही मेरा प्लैंक है तो आप मेरे ख्याल कैसे चुनाव जीतेंगे आपने कहा लगा मीडिया वॉइस में इतनी शार्प क्रिएट कर दूंगा फिर आपने कहा कि मास्टर स्ट्रोक क्या है कि आपने मौर्य को ज्वाइन करा दिया सैनिक को मौर्य हार गया दो मंत्री हार गया उसमें से वो भी बड़े मार्जिन से हार गए और मतलब

तो वो नेगेटिव वोट क्योंकि बसपा छोटी दिख रही थी उनको चला गया क्योंकि वो थोड़े जीतते हुए लगे तो यादव भी कंसोलिडेट हो गया यादव को लगा गया, हमारी सरकार आ जाएगी तो पुलिस की खुली छूट गुंडागर्दी करो तोड़ो सफाई महोत्सव लगाओ बॉलीवुड के टुमके लगाओ और टेंडर टेंडर टेके पट्टे लो हम पैसा कमा सकते हैं हम अपनी अरा, अराजकता वाली सरकार चला सकते हैं उनको सेंस आ गया सर्टेन सेक्शन ऑफ यादव राइट right? तो उसके चक्कर में उसका वोट कंसोलिडेट होकर थर्टी टू थर्टी थ्री परसेंट पर पहुंच गया Which, अगर यादव हमने लास्ट शो में कहा था कि अखिलेश यादव की वोट शेयर ये उनकी मेहनत का नतीजा नहीं है एंड दिसलिंग आपका एक, अभी भी उनका वोट क्यों आया है ब्राह्मण वोट कम हुआ है क्षत्रिय वोट कम हुआ है हर ओबीसी वोट कम हुआ है यादव वोट मतलब तो केवल यादव वोट और एम वोट बड़ा मुस्लिम वोट बड़ा है उनका राइट तो पुराना एम वाई कॉम्बिनेशन है

Hmm. अभी तक सरकार बनती थी तीस परसेंट पे आ, यूपी में 2007 में मायावती ने तीस परसेंट पे बनाई 2012 में अखिलेश ने तीस परसेंट बीजेपी ने गेम ही चालीस परसेंट की सत्रह yeah. में उन्नीस में, में और 22 में भी फोर्टी फोर है राइट right? तो अब अगर बीजेपी को हराना है आपको बीजेपी अपना वोट शेड एक बार आठ नौ साल वोट शेड ले, ले लेते ना फिर जाना बहुत मुश्किल करने वाले बीजेपी विल नॉट डू सच मिस्टेक राइट कोविड के बाद भी क्योंकि कोविड में एफर्ट था जो हो सकता था लोगों ने माना कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था उन्होंने क्या करा लाशे लोगों ने करा भाई वो तो फ्लोट हाँ। जब एनजीटी का रूल आ गया तो वो दबाने लगे घाट पे जाके मट्टी हाँ। में राइट वो उनका ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन दो से पहले की भी फोटोज है दो हजार पंद्रह की बर्खा ने बोला सबने लाउड माउथ बोलना शुरू कर दिया कि नहीं ये तो लाशें लाशें बह रही लाशे भरी ठीक है आप झूठ बोल लो अपना टीआरपी बढ़ा लो अपने यूट्यूब की लाइक्स बढ़वा लो झूठ बोल के लेकिन जनता को झूठ कैसे पिला दो अपनी तो आंखों से देख रही है भाई जिसको चूल्हा मिल गया उसको दिख रहा है ना चूल्हा मिल गया उसको हम क्या झूठ पिलाओगे जिसको घर मिल गया जिसको डीबीटी आ रहा है एक महिला ने बहुत सही बोला एक वीडियो वायरल हुआ और आई थिंक बेस्ट देन एनी यूट्यूब चैनल पुट टुगेदर उसने कहा कि मेरा तो सुबह से शाम तक जीवन ही मोदी जी योगी जी का है कैसे सुबह टॉयलेट जाती हूँ उनका बनाया हुआ नहीं तो मुझे सुबह भोर में जाना पड़ता था चार बजे सांप बिच्छू जब होते थे जब दंगा होता था सुबह मुझे अपनी इज्जत बचा के जाना पड़ता था फिर मैं गैस जलाती हूँ वो मोदी जी योगी जी की दी हुई उसमें जो अन्न पकाती हूँ वो मोदी जी योगी का दिला हुआ जो शाम को खरीदारी करने जाती हूँ वो डीबीटी दी से जो पैसा आया उसका और मैं इतना सेफली घूम पाती हूँ सात आठ बजे वो मोदी जी योगी जी का उसने इतना सही कैप्सुलेट करा पूरा जो कोई आई थिंक इलेक्शन का स्टार कैंपेनर नहीं कर सकता है और उसने कहा दूसरी महिला ने कहा मैं नमक हरामी कैसे कर दूंगी मोदी जी योगी जी के साथ इतना दिया है उन्होंने राइट तो इसको अगर आप कहते है, हैं आप बट जनता को नहीं बेच सकते ना जो सच में उसका बेनिफिट मिला राइट आई थिंक इसलिए उनका लाउड लाउड कैंपेन फेल भी हुआ पास भी हुआ पास हुआ उनको, उनको अनप्रेसिडेंटेड वोट शेयर दिलाने में एक फॉल्स सिग्नलिंग देने को मुस्लिम समाज को और यादव समाज को हुँ। हुँ। हम जीत रहे हैं हम जीत रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं चार सौ सीट आ रही है इतनी मतलब ना जाए मैं लूंगा तब बदलूंगा मैं अखिलेश भैया से बोल के आया हूँ मतलब ये कैराना में भी तो लोग बोल रहे थे ना कि देखिए अगर अखिलेश जीत गए तो हमको तो घर ही छोड़ना पड़ेगा हमको तो घर ही छोड़ना पड़ेगा हमको तो बल्कि हम लोग नोएडा में रहते हैं हम लोगों को वो कह कहते ना हम तो सारे पत्रकारों की और सारे कॉम्पिटेटर की लिस्ट बना रखी है हम लोग उनके सबसे न्याय संगत व्यवहार होगा लॉर्ड ऑफ पीपल वरीड क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कर देंगे पुलिस भेज देंगे आपके पास एक बार आप परेशान होते रहिए राइट सो ये जो गुंडागर्दी से बल्कि कई बार काउंटर भी पोलराइजेशन होता आदमी डर के मारे अरे इनको नहीं आना है बल्कि जो स्वामीनाथन अयर ने जो भीड़ देखी ना राउडी भीड़ वो भाजपा को हेल्प करती है पता हूँ कैसे जैसे मैं तो सबकी रैली में जाता हूँ श्याम भाई मैं बीजेपी की रैली में भी जाता हूँ और एक एक रैली में नहीं कई रैली में जाता हूँ एक रैली से डेटा पॉइंट मेरे एक एक रैली के नहीं होते हैं जैसी सपा की रैली खत्म होती है ना आप किसी शहर में भीड़ देखना भा, भु, भा, भु, भा, भु। आपने डर जाएंगे उससे जो नॉर्मल आदमी अच्छा, अपनी दुकान खोल के बैठा है छोटी रेडी खोल के बैठा है अपनी खिड़की से उसको देख रहा है अरे भाई गॉड ये फिर से ना आ जाए ये लाल टोपी वाले लाल झंडे वाले फिर से ना आ जाए तो कहता है वो वो आपके एग्जिट पोल में कुछ नहीं बोलता है वो आपके ओपिनियन पोल में कुछ नहीं बोलता है फट से ईवीएम में बोलता है वो चुपचाप जाके बोलती है खासकर महिलाएं जिनकी सिक्योरिटी होती है, है। जिनको गैस का चूल्हा मिला है वो साइलेंट वोटर है वो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल में नहीं बोलती है वो यहाँ जाके बोलती है चुपचाप राइट तो ये इसलिए रहा वो वो नॉइजी कैंपेन अखिलेश के काम आया और हाँ। अखिलेश को अनप्रेजेंटेड वोट दिया वोट शेयर मिला और कम से कम वो एक रिस्पेक्टेबल सीट सौ डेढ़ सौ सीट एमएलए आ पाया उससे उनको दो तीन राज्यसभा की सीट मिल जाएगी कुछ एमएलसी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो उनकी एक पोलिटिकल स्टैंडिंग बिल्कुल जो वॉश ऑफ टाइप हो गए थे वो एक मतलब बैसाखी से वो कम से कम व्हील चेयर पे आ गए

कम से कम प्रियंका जी ने जाके थोड़ा वो गले वले मिलने का ड्रामा तो किया ये तो वो ड्रामा भी नहीं करने को रेडी है तो आपको फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा अगर आप विधानसभा में है, तो विधानसभा में संसद में संसद में थर्टी थ्री परसेंटेंडेंस नहीं होनी चाहिए आपकी तो मैं अटेंडेंस होनी चाहिए तेजस्वी सूर्या है उसकी अटेंडेंस देखिए नाइन्टी से ऊपर अटेंडेंस होती है उसकी उसको वो भी तो एक फैंसी फैंसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियमेंट बैंगलोर साउथ से है बैंगलोर फैंसी जगह है वहां पर कैफेज में बैठ सकता है आराम से अपना जीवन जी सकता है वो क्यों नाइन नाइन परसेंट पार्लियमेंट में रहता है आपको अखिलेश की कोई स्पीच याद है पार्लियामेंट की याद ही नहीं होती दी नहीं है कभी नहीं, नहीं, नहीं पार्लियामेंट में कभी अब अब एक अच्छी चीज करी अखिलेश ने अखिलेश ने आज ही सुबह लोकसभा से रिजाइन करके एमएलए वाली सीट अपनी अपहेल्ड करी है अच्छा। तो वो असेंबली में दिखेंगे होपफुल असेंबली में दिखे क्योंकि वो लखनऊ से दिल्ली तो पांच घंटे उनके लिए बहुत बड़ी मेहनत थी नहीं आते अब उनके घर से मतलब पार्लियामेंट विक्रमादित्य से मेरे ख्याल से सात आठ मिनट का रास्ता भी नहीं है तो होपफुली वो सात आठ मिनट अपनी गाड़ी में ड्राइवर को बोर्ड के सुबह उठ जाए और चले जाए भगवान जी तो वो उनके लिए अच्छा होगा लेकिन अभी भी लीडर खुद को नहीं बनाया। लीडर चाचा जी को बना दिया हाँ। क्यों अगर, अगर भाई योगी जी ने ज्यादा कुछ बोल दिया तो मैं कैसे, मैं कैसे मैं छोटा ना दिख हाँ। तो एंटाइटलमेंट है कि मैं नहीं बनूंगा ये काम किसी और का आउटसोर्स कर दो भाई राहुल गांधी खुद क्यों नहीं बन सकते लीडर ऑपोजिशन सोनिया गांधी खुद क्यों नहीं बन सकते ये काम मतलब मैं तो पीछे अगर छोटा राजा जाऊँ मुझे कोई बचाओ सामने खड़े हो तो इन लोग देवेंद्र फडनवीस क्यों है देवेंद्र फडनवीस को आपने धोखे से हरा दिया वो आज भी है डेली जेल जा रहे हैं वो जेल मतलब कभी इस धरने में कभी उस धरने में डेली वो सरकार की आ, तीन दो पांच करे करें में है ना कुछ ना कुछ जैसी सरकार गड़बड़ करती है जो रोज करती है शिवसेना की सरकार वो डेली एक डेलीस करते हैं सड़क पे जाते हैं कार्यकर्ता को जाते हैं बताते हैं वो होती है ना आप अपोजिशन में दिखे तो पता तो लगे कि आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं दो लाठी तो खाए पुलिस की ये बैठे हुए घर में विक्रमादित्य मार्ग में है चुनाव में उठते हैं

और लोग बताते हैं मतलब 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 पहला कॉल आता था बजे बजे कभी जब जब महाराज तो ऐसे नहीं चला सकते ना देखिए वो हाँ। मतलब वो भी वो भी मतलब नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ अमित शाह नड्डा की राजनीति मतलब सुबह पांच बजे से रात के बारह बजे तक चलती है ना उनके सामने आप वो मतलब यू कैंट फ्लर्ट विद पॉलिटिक्स है ना अगर ये लोग कर दें तो मे बी थोड़ी जो भी होती है उसको कैप्चर कर पाए और कुछ अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर पाए तो स्पीकिंग अबाउट तो, uh, योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने परफॉर्मेंस जी। गए है। इसका मतलब कि है, जीत गए उसका क्या फर्क पड़ता है लेकिन देखिए सीटें कितनी कम हुई है परफॉर्मेंस तो पहले से बहुत खराब है डू यू अग्री विद नहीं असेसमेंट देखिए वही मुझे लगता था इनके पास अगर आपको याद हो तो मैंने एक ही प्लैंक कई पता नहीं आपके शो में बोला नहीं बोला

Uh, किसने काटा या फिर yeah. छोटे जो प्लेयर्स हैं कांग्रेस है या एम आई एम है या और कोई पार्टी है छोटी वहां का कोई 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 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसने किसका वोट काटा सो दैट्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स राइट तो जब और अखिलेश का समाजवादी पार्टी का कन्वर्जन इज वेरी गुड ऑलवेज कन्वर्जन अच्छा क्यों है क्योंकि मुस्लिम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मोस्ट ऑफ द एवरीवेयरलीस्ट्रीब्यूटे लेकिन मुस्लिम तो, 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 तो टोटली इक्वली बल्कि इक्वली क्या मतलब अट्ठारह बीस तो फिर वो पैंतीस चालीस पचास भी पहुंच जाते हैं राइट इसलिए उसका सीट कन्वर्जन अच्छा होता है राइट right? तो सीट कन्वर्जन इज नॉट ए अगर आप एनालिस्ट है अगर आपको ऐसे ही कुछ भाववा करना है तो यू कैन से एनीथिंग सेट इफ आरिस्ट यूल्टेज वोट परसेंटेज बढ़ा है वो भी एंटी इनकमेंसी के बाद वो भी

वो दो बूथ चेंज होते हैं बीजेपी तीन सौ ये वाली डिबेट भी खत्म हो जाती <laughs> है ना और वो भी मैं बीजेपी की ना एक एक गलती भी मानूंगा बीजेपी की गलती मानेंगे या फिर दे एक्टेड टू कॉशियस जो यू हैव टू टू गिव क्रेडिट अखिलेश यादव जब ये मौर्या सैनी और चौहान तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स ने छोड़ा <laughs> उसी समय पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग चल रही थी दिल्ली में इफ यू रिमेबर राइट क्योंकि उनका बीजेपी से बार्गेन नहीं हो पाया बार्गेन मतलब मुझे अपनी सीट नहीं चाहिए मुझे अपने बेटे के लिए पोती के लिए इसके लिए भी सीट चाहिए बीजेपी ना नथिंग आपको सीट मिलेगी मिलेगी लड़ना है तो लड़ना है, लड़ना है तो है। हाँ। है। तो 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 लड़ी नहीं राइट उन्होंने छोड़ी जब वो तीन चार लोग छोड़े बीजेपी इज पार्टी जो पब्लिक और मीडिया के इन्फ्लुएंस में आ सकती है तो जब इतना लगा अरे मौर्या छोड़ गए सैनी छोड़ गए चौहान छोड़ गए उसके बाद उन्होंने टिकट बहुत कम काटी अपने एग्जिस्टेंट अच्छा। राइट तो मेरे ख्याल से अगर वो पचास टिकट और काट देते

कि मैं ये झूठ बोल दूंगा वो झूठ बोल दूंगा ये बोल दूंगा तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा उससे आपका वोट शेयर बढ़ गया और देखिए अखिलेश को मानना पड़ेगा वो 22 से साढ़े बत्तीस पाए इन द लास्ट सेवन एवरी इलेक्शन जब से उन्होंने पार्टी छीनी है यू नो राइट पार्टी मुलायम सिंह यादव पार्टी द जैसे उन्होंने माइंड छीना था पार्टी भी छीन ली थी <laughs> पिताजी को हटा दिया खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और चाचा को तो पार्टी से बाहर निकाल दिया राइट उसके बाद से सारे इलेक्शन हारे हैं अखिलेश छह इलेक्शन हारे हैं उसके बाद से कौन कौन से मैं गिनाता हूँ चौदह का लोकसभा इलेक्शन बुरी तरह से हारे पंद्रह में अर्बन बॉडी का इलेक्शन हुआ बुरी तरह से हारे सोलह में से दो बसपा जीती चौदह भाजपा मेयर जीते बस, बस सपा को एक भी सीट नहीं मिली 17 में विधानसभा का इलेक्शन जोर से हारे हर बार एक्सपेरिमेंट भी करते रहे कभी कभी सपा के साथ, कभी के साथ साथ बसपा एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करते रहे सारे फेल होते रहे फिर उन्नीस में लोकसभा हारे बसपा के साथ बुरी तरह से हारे वो भी राइट फिर 21 में बस जब कोरोना सेकंड वेव चल रही थी तो रूरल बॉडी के इलेक्शन हारे और छठा इलेक्शन 22 में फिर हारे जोर से

बिकॉज ऑफ इज लेजीनेस बिकॉज इज लैक ऑफ स्ट्रेटी बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ नॉट एबल टू कैप्चर वट एवर लिटिल एंटी इनकमेंसी योगी नाथ गेंट माइड ऑफ लेफ्ट कुछ कैप्चर भी नहीं कर पाए तो आई थिंक ये रीजन है एक मैं आपसे पूछना चाहता था यू you नो know, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी एक कल्चरल रिवाइवल की बात के उत्तर प्रदेश में एंड बहुत सारे बीजेपी स्टेट्स में एक कल्चरल रिवाइवल हो रहा है और इस बार भी पिछली बार भी ये हुआ था लोकसभा इलेक्शंस में भी ये हुआ था इस बार भी हमने ये देखा है कि बीजेपी को योगी को मोदी को अक्रॉस कास्ट लाइन्स वोट मिल रहे हैं जैसे आपने भी इनिशियली कहा था कि अक्रॉस लाइन्स इनको अक्रॉस कास्ट लाइन इनको वोट पड़ रहे हैं ज्यादा वो सभी पड़ा है जाटों से पड़ा है बढ़ के पड़ा पिछले बढ़ के पड़ा है, पिछले बढ़ के पड़ा है हाँ। का का इलेक्शन आया केवल मुस्लिम मुस्लिम शेयर भी बढ़ गया है कास्ट के बेसिस पर एक जो बैल्कनाइजेशन करके रखी हुई थी इंडिया की वो जितनी कम होगी उतना देश के लिए अच्छी चीज है तो क्या क्या उसका एक अंडरस्टैंडिंग है या फिर ये बीजेपी को तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग है वो तो चाहते ही हैं कि कास्ट के अक्रॉस जाकर वोट लिए जाए रागे। और, रागे। और एक एक, एक हिंदुत्व हिंदू सोसाइटी के अराउंड एक कंसोलिडेशन किया जाए बट क्या जमीन पर भी लार्जर क्वेश्चन पूछा देखिए इफ यू नरेटिव बताना चाहूंगा एंड योर व्यूअर्स मैंने देखा है काफी मजा आएगा सुनने में देखिए चौदह से पहले ना एक बहुत इजी ट्रिक थी इलेक्शन जीतने की राइट और दस बीस साल पहले तो और आसान था जब मीडिया बहुत छोटा था जब केवल दूरदर्शन और कुछ न्यूज हुआ करते थे क्या था क्या हिंदुओं को फोर्स करो कजोल करो कंफ्यूज करो जातियों में वोट करने के की हिंदू को हिंदू मत बोलो हिंदू को त्यागी बोलो हिंदू को ब्राह्मण बोलो क्षत्रिय बोलो मौर्य बोलो जिससे वो उन एंटिटीज में उन मुस्लिम हमेशा मुस्लिम है लेकिन अब मुस्लिम हर्स में मुस्लिम है वो पसंदा नहीं है वो खान नहीं है वो पठान नहीं है वो मुस्लिम मुस्लिम है मुस्लिम को एक बोलो उनको बोलो हिंदू तुम्हें खा जाएगा मतलब जिस हिंदू ने आपको शाहरुख खान बनाया जिस हिंदू ने आपको अजरुद्दीन बनाया जिस हिंदू ने आपको मोहम्मद शमी बनाया जिस हिंदू ने आपको रूबिका बनाया वो, वो हिंदू बेकार है और ग्रो करने का पूरा मौका दिया चाहे आप ज्यू हो चाहे पारसी हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो ठीक है चाहे हम आक्रांता हो तब भी आपको हमने आत्मसात कर लिया बोलो हिंदुओं को बांटो और इलेक्शन जीतो इजी ट्रिक काम वाम कोई करने की जरूरत नहीं है डिलीवरी करने की कोई जरूरत नहीं है इसकी में बोलते रहो गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ बोलते रहो और राजीव गांधी तो मतलब एग्री भी करते थे कि एक रुपए चलता है तो पंद्रह पैसे पहुंचते हैं पचासी पैसे खा जाते हैं लोग उसको मैं ठीक भी नहीं करूंगा मैं बोलूंगा अगर मैं अगर प्राइमरी सीट पे हूँ और मैं कोई डायग्नोसिस करूं तो मैं डायग्नोसिस अपने ऊपर कर रहा हूँ ना कि हमारे समाज में ये गलती है हमारी गवर्नमेंट में गलती है तो ठीक करो ना बाबा तुम्हारी सत्तर साल से सरकार है तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारे परदादा की दादा की नाना की सबकी तो सरकारें हैं तो तुम ही ठीक करो तो तुम अपनी बता रहे हो है ना वो कभी ठीक नहीं करूंगा है? और ये कुंजी जो होती है ना एग्जाम के पांच दिन पहले कुंजी लाके हम एग्जाम लिख देते हैं ये वो तरीका था चौदह के बाद नरेंद्र मोदी डिट कंसोलिडेशन ऑन टू बेसिस कि हिंदू होना कोई गुना नहीं है भैया राम मंदिर की बात करना कोई गुना नहीं है काशी विश्वनाथ की बात करना कोई गुना नहीं है राम सेतु की बात करना कोई गुना नहीं है राइट और अगर अगर बाहर से प्राइम मिनिस्टर आएगा कोई प्रेसिडेंट आएगा तो मैं तो भाई उसको साबरमती के घाट पर लेके जाऊंगा मैं तो उसको तमिलनाडु के प्राचीन मंदिर में लेके जाऊंगा मैं तो उसको काशी विश्वनाथ की घाट पे आरती कराऊंगा मैं केवल वो हैदराबाद हाउस में बैठ के चाय नहीं पीऊंगा अंग्रेजों को <laughs> राइट मैं तो अगर उबावा से मिलने भी जाऊंगा तो अपना नवरात्रे का व्रत रखूंगा राइट मैं तो जब विदेश जाऊंगा तो ताजमहल नहीं गिफ्ट करूंगा मैं तो गीता गिफ्ट करूंगा राइट योगी आतनाथ से किसी ने पूछा आप ईद क्यों नहीं मनाते हैं उसने कहा मैं हिंदू नहीं हूँ मैं ईद मना ड्रामा क्यों करूँ उसको ईद मनानी उसको मैं सुरक्षा दूंगा

एक प्राइड का विषय है तो श्याम शर्मा अपने शो के सिंबल में त्रिशूल लगा सकते हैं उनको कोई एंटरप्राइज नहीं करेगा इस बात के लिए आपको कोई कॉर्नर नहीं करेगा त्रिशूल कहाँ से आ गया ये तो उसका सिंबल है इसका सिंबल है <laughs> अलाना है धमाका है, है फिर बहुत सारी ये मतलब लोग कहते थे लेफ्ट वाले कहते थे ठीक है हमारी पिक्चर नहीं पसंद तो अपनी पिक्चर बना लो हमारी किताब नहीं पसंद अपनी किताबें लिख लो हमने लिख अब 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 आप कह रहे हैं कश्मीर फाइल ऐसी पिक्चर है वैसी पिक्चर है अब हमारी किताबें आ रही है अरे आप तो योगी के हिजियोग्राफर हैं भाई आप तो लिख ली है हमारी किताब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी जाती है अमेरिका भी जाती है डब्ल्यू uh, में बेस्ट सेलर बनती है Amazon में बेस्ट भी बनती है अभी मैं कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट पे था मेरी किताब थी बुक ऑफ द मंथ नंबर वन पे थी वीर सावर की किताब उदय माहौर जी की और तेरह चौदह पे थी विक्रम संपत की वीर सावर की किताब और उन्होंने डाला तो वो पोस्ट बहुत वायरल हुआ कि भाई अब अब दैट इज द नैरेटिव तो ये जो हिंदू होना हिंदू चीजों के लिए बात करना जय श्री राम कहने से लेकर किताबें लिखने था राइट सीरियस किताबें लिखने से लेकर फिल्म फिल्म कॉमेंट्री तक

सब बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी होने होने को को है है, या, या a, है, right? C, hmm. मेरी कितनी मेरी लाइफ लाइफ कितनी a मेरी कितनी इजी इजी हाँ. उसकी कम हो बहुत ज्यादा और वो प्रोग्रेसिवली और वेटेज कम होती जाएगी शाम hmm. और हर पार्टी को केटर करना पड़ेगा उसको hmm. Hindu, तो अभी क्या होता है देखिए अब मतलब सबको करना पड़ रहा है

नहीं है। उसका झूठ इतना अरविंद केजरीवाल को भी पंजाब चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी को भी जो जो नवमी नहीं बनने देती थी ढंग से अपने। ना। 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 उनको भी पाठ गाना पड़ता है तो वो सब अब अब हिंदू नरेटिव बन गया कि आप ऐसे दो कि आप हिंदू नहीं दे सकते राइट आपको भी हिंदू को केटर करना पड़ेगा वो भी वो भी एक इंसान है है ना और दूसरा कि आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा आपको बेनिफिशियरी को वो एक रुपये का पंद्रह पैसे नहीं पहुंचेगा एक रुपए के yeah. एक रुपए या नब्बे पहुंचाने पड़ेंगे like, uh, yeah. so right? तो ये दो चीजें आप स्टैंडर्ड ग्रामर बना दिए पीपल लाइक नरेंद्र मोदी पीपल लाइक योगी आदित्यनाथ एंड सम एंडर गुड सी राइट ये yeah. ग्रामर बन चुकी है विच इज न्यू पॉलिटिक्स एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा था एक हमारे ऑडियंस मेंबर ने देवज्योति पटनायक देवज्योति पूछ रहा है कि यू नो टू अ लेवल एक बेसिक जो नीड्स थी उत्तर प्रदेश की जनता की उस नीड्स तक तो पहुंचने का काम किया है योगी जी ने तो इसके बाद मान लीजिए जो अगला इलेक्शन आने वाला है 2026 का लेट्स से जो इलेक्शन आने वाला है 2027 का असेंबली इलेक्शन असेंबली इलेक्शन जो आने वाला है यस yes, उसके लिए

जो hmm. चुनाव के पहले वाली कॉन्वर्सेशन मैंने पूछा महाराज जी ये टर्म तो बहुत अच्छा गया अपना पांच साल hmm. और अपन अगला टर्म जीत भी रहे हैं सबको पता इट वेरी एविडेंट मेरे को आप तो फील्ड ज़्यादा रहते हैं मैं भी रहता एविडेंट है मैंने अपनी hmm. किताब में भी डॉक्यूमेंट कराया है और yeah. clearly, oh, wow. उन्होंने बोला कि जब तक मेरे पास इकोनॉमी होगी प्रोस्पेरिटी नहीं होगी तो मेरे पास टैक्स ही नहीं आएगा मैं वेलफेयर कैसे करूंगा

कि जो स्कीम्स हैं जो अभी कोई सिक्सटी परसेंट पहुंची है कोई सेवेंटी परसेंट पहुंची है कोई स्कीम जो उन्नीस में शुरू हुई थी हाँ। जो लेट शुरू हुई बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेट शुरू मतलब लेट क्या जो नरेंद्र मोदी ने अपने सेकंड में शुरू करी उनको बिल्कुल कार्पेट बॉम्बिंग कर देना उनको हंड्रेड ले जाना तो एक बहुत बड़ी स्कीम है जो रह गई है ना जो हम पानी पानी अभी बुंदेलखंड में शुरू हुआ है लेकिन वो स्कीम नहीं आई है हर घर जल जिसको बोलते हैं नल खोला अभी क्या है टॉयलेट सुबह सुबह जाना पड़ता था मिलो दूर टॉयलेट घर में Yeah. गैस के लिए लकड़ी उपले बनाने पड़ते थे गैस घर में पानी अभी भी प्रॉब्लम है इन वेरियस hmm. अगली स्कीम है 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 घर घर हर जल राइट एंड ह्यूज कन्वीनियंस आपको yeah, रोज yeah. दो सुबह उठ के जाना है, hmm. वहाँ जाना वहां पे पानी लेके आना है तीन घड़े ला लाइन आई थिंक हर पार एक, एक मिडिल क्लास इंडियन को भी याद होगा पिछले अगर 20 साल का वो 20 साल तक एडली जिंदा रहा है तो उसको याद होगा कि किस तरह से हम लोग ड्रम खरीदते हैं हमें पानी भरना पड़ता दिल्ली जैसे शहर में मुझे याद है

हाँ। ये योगी जी अपना पर्पज है कि लोगों का मैं कितना भला कर लू तो आई थिंक पिछली स्कीम्स को जो सिक्सटी सेवेंटी एट्टी परसेंट पहुंच गए उनको हंड्रेड परसेंट कापड़ बॉन्गिंग करना हर घर जल जैसी स्कीमें या नरेंद्र मोदी जो नई स्कीमें लेके आते हैं और थोड़ा ऑन्तरप्रनशिप फोकस और लाना जो वन केवल इकॉमीशिप से आ पाएगी राइट और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बनाना जैसे अभी केवल हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लॉन्च कर पाए बुंदेलखंड ऑलमोस्ट बनकर तैयार है इलेक्शन की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया लिंक एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट तैयार है गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है गंगा एक्सप्रेस वेलूज चेंजर जिसको भी यूपी पता है वो मेरठ से प्रयाग जा रहा है श्याम कैन यू इमेजिन दैट मतलब मेरठ पूरे ईस्ट में है प्रयाग ऑलमोस्ट पूरे वेस्ट में है हाँ। राइट और आप से बारह घंटे में पहुंच जाएंगे आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी लोग कहते हैं हाई कोर्ट की बेंच अभी की कितना टाइम लगता है आई डोंट नो अभी कितना टाइम लगता है शायद अभी तो मतलब यार सीधा कुछ है ही नहीं आप कैसे कैसे जाएंगे आपको एक दिन पूरा लग जाएगा ट्रेन लेंगे तो ट्रेन कभी लेट होगी अब तो ट्रेने बहुत टाइम पे चलने लगी है के आ, तो अब तो एक बहुत मतलब पूरा प्रोजेक्ट है वेस्ट यूपी से ईस्ट यूपी जाना तो हाँ। अपने आप में पूरा एक हाईवे वो इतनी इकोनॉमिक बन जाएगा डिफेंस के नोट जो नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर कर दिया उसमें से दो डेवलप हो चुके हैं अलीगढ़ लखनऊ ये सब तीन तीन चार साल में आ जाएंगे इसमें ह्यूज जॉब आएगी नोएडा हाँ। में मल्टीपल टाइप के डेटा सेंटर कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के प्रॉमिस कर दिए हैं जिन्होंने सेटअप कर लिया है लैंड ले देखिए जो प्रोजेक्ट होते हैं काफी बड़े होते हैं पहले लैंड ली जाती है तो पांच साल में क्या होता है छह महीने तो स्टार्टिंग में थोड़ा गवर्नमेंट समझने में लगते हैं आखिरी के छह साल इलेक्शनरिंग में जाते हैं तो जो चार साल नीट होते हैं उसमें सारे प्रोजेक्ट की लाइफ ही जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं शायद उनकी तो लाइफ ही छह छह सात साल आठ आठ साल होती है तो दो टर्म नॉर्मली एक गुड लेंथ होती है किसी सीएम की आउटपुट तो कई बार क्या होता है जब सीएम कन्वर्ट हो जाते हैं ना ऐसे ऐसे केस में परफॉर्मिंग सीएम कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत सैड होता है कि अगर इतना परफॉर्म करने के बाद भी सच में अगर योगी आदिनाथ हार जाते ना तो पता है उसकी प्रॉब्लम बड़ी क्या होती एक एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता लो है लोग कहते हैं अच्छा mm. काम करने से कुछ नहीं होता है तो योगी आदित्यनाथ का जीतना डेमोक्रेसी के, के लिए बहुत था। कि mm. काम कर। मुझे, एक एक, मुझे टैक्सी वाले ने बोला लखनऊ में वो यादव ही था तो उन्हें क्या बोला अरे सर अगर इतना काम करके नहीं जीते तो फिर तो कोई कभी जीत ही नहीं सकता इतना काम हुआ ना मैंने जब किताब में डॉक्यूमेंट करना शुरू करा मैंने कहा गॉड मुझे भी नहीं बता था यार Hmm. मैं चौबीसों घंटे यूपी ट्रैक करता था मैं तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना मैसिव काम हुआ है तो दैट्स दैटो गुड सिग्नल फॉर डेमोक्रेसी की पीपल ये एक सिग्नल चला गया है कि पीपल केयर फॉर वर्क राइट और कास्ट या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उनके लिए है लेकिन वो वेरिएबल में पीछे है राइट yeah. right? तो ये सारे मेरे ख्याल से एक नई ग्रामर जो बनी है दैट्स अ वेरी हेल्दी ग्रामर फॉर इंडिया और फॉर एनी पार्टी टू कम अप जैसे एरिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की जो रहती है वहां पर रहे, रहे, लेकिन इसी गरी, इस गरी, एक लेवल ऑफ गरीबी में रहती है वहां पर अगर एक इकोनॉमिक एक्सप्लोजन हो गया तो फिर तो जो फाइव ट्रिलियन की लोग बात करते रहते हैं उसका बल्क तो वहीं से आएगा ना उसका बल्कि आएगा नहीं से नहीं। ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें अगर आप एक ऑन्ट्रप्रियल स्पिरिट डेवलप करिए उस जो कि है यूपी बिहार में है बहुत इस तरह की स्पिरिट उसमें मेहनत करने की इस दोनों स्टेट्स में मेहनत की कोई कमी नहीं रहती है आपको महाराष्ट्र में मुंबई में बीसियों बड़े रियल एस्टेट डेवलपर बता दूंगा जो यूपी ओरजन के हैं प्रतापगढ़ के हैं सीतापुर के हैं आजमगढ़ के सेफ्टी नहीं थी

अगली जनरेशन को कंपेयर कीजिए मेरे जनरेशन को कंपेयर कीजिए मेरे जनरेशन में दस परसेंट सिर्फ बिहार में पढ़े हैं। तो एक जनरेशन में कितना बड़ा डिफरेंस हुआ है कितना नुकसान हुआ है एक स्टेट का आप देख लीजिए सेम सेम स्टेल, सेम स्टिल यू नो हालत यूपी की हुई है अब उस टैलेंट को अगर आप रख लीजिए यूपी में अ तो ह्यूज तो गेम चेंजर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मेरी मेरी मैं यूपी में पला बड़ा हूं मेरी एक पोर्शन लाइफ का ऋषिकेश में पला बड़ा हूं तो ऋषिकेश मेरा अक्सर जाना होता है तो हमने एक छोटा सा घर बना रखा है जो रेंट पे दे रखा है उसमें आठ दस हजार रुपए रेंट आता है ना अब वो पहले तो आठ हजार का पंद्रह हजार हो गया क्यों हो गया उसके आधे ऋषिकेश तो की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई वहां पे हॉस्टल्स बन गए दवाइयों की दुकान बन गई छोटे हॉस्पिटल और खुल गए जिनको शायद एम्स में जगह नहीं मिली वो पूरा एक मेडिकल इको बन गया है वहां पे राइट अब योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं और उसमें मेडिकल कॉलेज भी है तो सारे नर्सिंग के स्टूडेंट सारे डॉक्टर के स्टूडेंट सब वहां रहते हैं Uh, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया है एंटरटेनमेंट के नए सोर्स खुल गए हैं सब कुछ एक पूरा रीजन ही हाई हो गया पूरी अपने आप में की केवल mm. जो जो हॉस्पिटल हजार लोग जाते हैं उनके लिए स्टे की व्यवस्था हो गई है कुछ कुछ बन गया है वहां पे क्योंकि आदिनाथ सिंह वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल मेडिकल कॉलेज जिसमें से वो wow. बत्तीस पे काम भी कर चुके हैं अच्छा सत्तर साल से बारह थे इन्होंने तीस अपने टाइम में बनवा दिए oh, wow. बाकी अभी कुछ लॉन्च होने वाले हैं एज सुन एज टेक इलेक्शन के चक्कर में तीन महीने तक आप कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकते तो नहीं करता है राइट

पांच साल में आपके पास यूपी के ट्रेंड जो यूपी के लोकल है आपको मिल जाएंगे सो तो ये सब जो हो रहा है ना ये आपको दिखेगा नहीं जैसी आप सातवें आठवें साल में पहुंचेंगे यूपी के आपको एकदम से सब कुछ ग्रो होता हुआ हो, दिखेगा यूपी सिटिंग ऑन ह्यूज ग्रोथ स्टोरी जो हर साल में हर साल में अनविल हाँ। होती रहेगी अनवील होती रहेगी रहे, जो योगी आदित्यनाथ ने प्लांट शो कर दिए ये जो आप ऑनपुर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे उसके लिए ऑन्टरप्रियल ऑन्योरियल डेवलपमेंट के लिए इन योर ओपिनियन योगी जी ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसमें कुछ आपको दिख रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ चार पांच देखिए एंटरप्राइज के लिए सबसे था है लॉ एंड ऑर्डर जब तक मेरा हाँ। पैसा और सेफ नहीं है, मैं लगाऊंगा ही नहीं धंधा हाँ लगाऊंगा नहीं पेटीएम ने, ने सब ने अपनी डिलीवरी एडवाइजरी चेंज कर दी है कैश ऑन डिलीवरी शुरू कर दिया कैश ऑन डिलीवरी थोड़ा अनसेफ मीडियम होता है क्योंकि कैश को हैंडल करना मुश्किल है सोचो अगर मैं डिलीवरी बॉय हूँ मेरे पास पचास हजार रुपए मुझे अगर लूट लिया तो अमेजन कितने केस करेगा वो रोज के अपने लुटवाता रहेगा पैसे कैश ऑन डिलीवरी शुरू हो गई यूपी के मल्टीपल पार्ट्स में राइट तो पहला तो लॉ एंड ऑर्डर क्लियर करा दूसरा जितना भी बिजनेस सेटअप करने के लिए जो भी, जो भी भी प्रोसेस है उनको सिंगल विंडो कर दिया यूपी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बारह से नंबर दो आ गया वो ऐसे ही नहीं आ गया ना यूपी वालों को लगता था श्याम ये तो रैंकिंग हमारे लिए बनी नहीं है ये तो गुजरात के लिए महाराष्ट्र के लिए तमिलनाडु उनके लिए बनी है ना आंध्र तेलंगाना के लिए बनी है ना हमारे लिए हम कहा हम तो वो गैंग्स वॉर में नंबर वन वाले लोग हैं हम ये सब में कहा जब यूपी नंबर दो आया तो हम लोगों को भी बिलीव नहीं हुआ हमने सच में चेक करा कई बार अच्छा भाई

होगा ही होगा वो एक एक पूरा नोएडा गुड़गांव जैसे गुड़गांव था जैसे बैंगलोर था नोएडा का अपने आप में स्टार्टअप हब पहले से भी था अब वो और मतलब उसमें मल्टीप्लायर उसमें हंड्रेड टाइम्स का हो रहा है सो दैट्स अ दैट्स अ ब्यूटीफुल साइन फॉर यूपी एक एक और सवाल जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि शांतनु से पूछना कि यू नो एक योगी जी को भी मोदी जी की तरह ही एक मोल्ड में लीडर देखा जाता है कि दिस इज अ वेरी पॉपुलर लीडर जो अपने स्टेट में बहुत पॉपुलर है बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्टेट को ग्रो बहुत अच्छी तरीके से किया है तो लोगों ने देखा कि किस तरह से अपनी स्टेट को इतनी अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए ये एक नेशनल लीडर बन गए हैं मोदी जी एंड आई नो कि अभी फॉर द शॉर्ट टर्म तो योगी जी को यूपी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए

वो ऑलमोस्ट हर स्टेट के तो प्रभारी रह चुके हैं तो उनको हिमाचल जब वो जाते हैं तो सारे कार्यकर्ताओं को जानते हैं वो नड्डा जी उनके अंदर में कार्यकर्ता हुआ करते थे आज वो इतने बड़े लीडर हैं वहां के सीएम जितने भी सीएम रहे उनके अंदर में कार्यकर्ता रहा होते वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक कभी आडवाणी जी की यात्रा कभी कोई कभी कोई मुहिम कभी कोई चुनाव वो पूरे उत्तर पूरे भारत को वो एक एक दिन में नहीं महीनों रह के देख चुके हैं ऑफ नरेंद्र मोदी वो हजारों घरों में रात गुजार चुके हैं Yeah. कभी किसान के घर में कभी कभी मतलब वो बिल्कुल फाइव स्टार वालों के घरों में भी गुजार चुके हैं किसान के घर में भी तो उन्हें हर तरह का पता है कि बिजनेसमैन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है पेपर मिल की सूरत वाले की बिहार वाले की कश्मीर वाले की ही ऑल ऑफ दैट थ्री एंड टर्म सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर जहां उन्होंने नई नई चीजें स्टार्ट करी वाइब्रेंट गुजरात सबने शुरू कर दिया कि बिजनेस सबमिट करनी चाहिए बिजनेस सबमिट करना एक ट्रेंड हो गया स्कूलों को अच्छा करना पहली बार गुणवत्ता पे काम शुरू करा स्कूलों को अच्छा करना एक ट्रेंड हो गया अब स्कूलों को अच्छा करना एक ट्रेंड माना जाता है छोटे शहरों में अच्छी सड़कें बनाना ट्रेंड ही नहीं था ट्रेंड बना दिया इंटरनेट लाना ट्रेंड ही नहीं था ट्रेंड हो गया आप किसी गुजरात के आई एस ऑफिसर के रूम में चले जाइए आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा लगेगा उसमें no, टेक्नोलॉजी no. होगी होर्टिंग लगे होंगे हर मिनिस्टर कंप्यूटर के साथ बैठा होगा सेक्रेटरी कंप्यूटर के साथ बैठा होगा आपको डेटा दिखाएगा डैशबोर्ड दिखाएगा ये मैं पांच छह साल पहले की बात बता रहा हूँ मतलब गवर्नेंस का लेवल ही हाई था वहां पे आप अगर इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके चले जाए तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे फिर कि लगाया क्यों नहीं प्लांट अभी तक

Many a times, right? क्योंकि वो भी उन्नीस साल संसद में रह चुके इतने हैं जितने लॉ पास होते हुए जैसी संसद खत्म होती थी पार्लियमेंट की नहीं जाते थे घंटों किताबें पढ़ते थे so, so, मोदी के पास एक तरह से नहीं थी राइट right? right. so, वो एडवांटेज है लेकिन इनके पास खुद की सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है जो एक पांच साल बाद आ गया Hmm. पांच साल बाद और आ जाएगा तो दस साल तक अगर आप यूपी जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहते हैं जहां पे बहुत सारी पॉलिटिक है जहां पे बहुत बुरा हाल है देखिए नरेंद्र मोदी के पास एक एडवांटेज थी शायद उनके पास जब वो गुजरात में तो गुजरात का हाल कोई बहुत बुरा नहीं था हाँ. तो उसके तो पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी राइट अच्छी गवर्नमेंट थी करप्ट गर्मेंट्स नहीं थी राइट उन्होंने उसको एक एबल लीडरशिप दी और एक अलग ही लेवल पे ले गए जो बियॉन्ड मतलब गुजरात एक मॉडल बन गया योगी आदित्यनाथ के पास वो कम्फर्ट जोन नहीं है योगी आदित्यनाथ के पास मतलब लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इज वेरी हाई क्योंकि पहले कौन थे अखिलेश यादव जो सोते रहते थे मायावती जो केवल कास्ट पॉलिटिक्स करती थी मुलायम सिंह यादव जो कहते थे कंप्यूटर और और इंग्लिश होनी नहीं चाहिए है ना इस तरह के लीडर्स थे 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 पहले हुँ. जो कहते कहते चीटिंग करो और पास हो जाओ स्टेट से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह इस तरह का तो विजन था कि चीटिंग वाले लोग थे उनकी पॉलिटिक्स में भी चीटिंग थी वो यूथ को भी चीटिंग करने को सलाह देते थे उसके बाद योगी आया तो उनके लिए हाइजीन सेट करने में बहुत टाइम लगेगा जो उन्होंने पांच साल में करा अब उनका थोड़ा टेक ऑफ टाइम है और यूपी के लिए

सात साल बाद आता है दस साल hmm. बाद आता है जब भी आता है ना वी डोंट दूवर जब नरेंद्र मोदी किसी फ्लाइट में चढ़ते हैं आपने देखा है वो ऐसी स्पीड से चढ़ते हैं हम लोग ना चढ़ पाए फट 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 फट, 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 फट। <laughs> फ्लाइट की सीढ़ियां देखें जब वो कभी किसी uh. फ्लाइट में चढ़ रहे होते हैं उनका एक सीन आता है या उतर रहे होते हैं फट 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 इट लुक लाइक चर्चा ही नहीं होती ही नहीं होती क्योंकि देखो चर्चा कब होगी जब आप देखेंगे आप ऐसे बैठे हैं जब आप सो रहे हैं ऊंग रहे हैं उन जो बाइडन जैसे आदमी की चर्चा होती है कि भाई आप कर सकते हो कि काम जब आप कब टपक जाए है ना अब यहाँ पे क्या है वो योगा प्राणायाम कर रहे हैं हेल्थी डाइटिंग कर रहे हैं वो हाँ। आठ दिन की विदेश यात्रा से आ रहे हैं और शाम को रात को पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन पे हेलमेट पहन के पहुंच जा रहे हैं है ना तो मतलब ही इज एज एज फिट एनी यंग चैप राइट जब भी पोस्ट मोदी एरा आएगा वो जब भी आए उसके बाद आई थिंक नरेंद्र मोदी क्रिएटेड सीरीज ऑफ लीडर्स जो टॉप सीसीएस होगी ना

पार्टी किस तरह से आगे डेवलप होगी उत्तर प्रदेश किस तरह से आगे डेवलप होगा आई थिंक यू नो आई आई जेन्यूनली बिलीव कि अगर इंडिया को पांच ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है तो बिना यूपी बिहार yeah. के yeah, uh, ग्रो किए तो ये हो ही नहीं सकता इट्स एन इम्पॉसिबल ड्रीम तो जिस yeah. तरह तो ये देख करके यूपी ग्रो हो रहा है यूपी के आम सामने अपॉर्चुनिटीज हैं यू नो मुझे बहुत खुशी होती है पर्सनली मैं आई एम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द कंट्री तो मुझे बहुत खुशी होती है पर्सनली सो आई आई एम वेरी होपफुल Yogi ji keeps performing the way he is, and uh, and the state grows under him. So, once again, Shantanu, thanks very much for coming on. Uh, this was a very helpful discussion, as usual. Uh, th thank you, and it's always lovely to answer to your very insightful questions. So, today I usual TV channels or YouTube channel. Shamelessly, if I can sell my books again. Of course, of course. Please tell us hota. about it. The monk who. This is basically the life of Yogi. ये, तो एक तरह से अब ये तो साल का रिपोर्टर हॉन्गकॉन्ग से वो कॉल yeah. तो <laughs> तो कर रहा है, कोई का रहा है कि भाई मुझे और बताओ तो लकी बोथ द बुक्स आर अवेलेबल ऑन अमेजोन डॉट कॉम ऑल्सो इंडिया से डिलीवरी नहीं है इंडिया से जो अमेजोन डॉट इन पे तो अमेजोन डॉट कॉम पे भी अवेलेबल विच इज अवेलेबल फॉर ग्लोबल डिलीवरी सो आई ट कि ये आप अपने जितने भी व्यूअर्स हैं आपके जब भी देखें अपने आप खरीदें और एक एक बुक अपने किसी फॉरन काउंटर पार्ट को जरूर गिफ्ट करें मैं क्यों कह रहा हूं ये बिकॉज देखिए यू आर राइट कि वर्ल्ड स्टेज में योगी आदित्यनाथ को जानना तो पड़ेगा ही एवरी वन हैज नो हु योगी आतनाथ इज राइट जब वो जानना शुरू करेंगे डी यू वॉन्ट देम टू नो योगी आतनाथ थ्रू न्यूयॉर्क टाइम्स थ्रू वॉशिंगटन पोस्ट हु करप्ट एंड बायस्ड व्यू अबाउट हिम राइट और दे वॉन्ट टू नो योगी आतनाथ थ्रू माई लिटरेचर राइट और अब यूट्यूब से देखना चाहता है तो यहां से देखे और अगर कलीग को किसी पॉलिटिशियन को थिंक टैंक को इट विल हार्डली अ फाइव टेन डॉलर इन्वेस्टमेंट फॉर यू और इंडिया में रहते हो तो तीन सौ पांच सौ रुपए का इन्वेस्टमेंट है अपनी लाइफ में मेरे लिए प्लीज प्लेज करिए मुझे मत कुछ डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू मी एक बुक गिफ्ट करके आप किसी एक आदमी को जरूर दीजिए और ज्यादा और बहुत लोगों ने किताबें गिफ्ट करी। अभी रिसेंटली yeah. किसी ने, ने हज़ार किताबें करूंगा यूके में है so, yeah. आप yeah, yeah, yeah. और वो आप ही था और उन्होंने प्लेस किया था और नाउ ही कर दिया हम किताबें इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर्स को पॉलिसी मेकर्स को डिसीजन मेकर्स को ऑल ऑफ द ऑल ओवर इंडिया हम लोग सेंड कर रहे हैं हां एंड आई थिंक कि देखिए इस तरह की किताबें खरीदनी भी जरूरी है बिकॉज़ मुझे याद है जब मैं YouTube पे था भी नहीं जब मैंने अपना चैनल शुरू भी नहीं किया था सबसे बड़ी कंप्लेंट ये हुआ करती थी मुझे याद है कि इकोसिस्टम नहीं है यू you नो know, कोई जो वो वो कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल काम जो डेवलप होता है लेफ्ट से वो हमारी तरफ से क्यों नहीं होता तो भाई जब डेवलप तो तो exactly. like 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 सब कुछ है अब. अब आप क्रिप कर नहीं सकते अब यूट्यूब <laughs> में भी अवेलेबल है मूवी में भी अवेलेबल है किताब में भी अवेलेबल है हाँ. नरेंद्र मोदी पे अमेजिंग बुक्स लिखेंगे ट्राई टू नो लीडर जिससे आप जब आर्गुमेंट में फेल हो जाते हैं चाहे वो छोटा सा आपका सोसाइटी का हो आपकी फैमिली का हो आपका एलिमिन बेस का हो या आपके कॉर्पोरेट में हो या थिंक टैंक में हो हर लेवल पर डिस्कशन होता है एवरी डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट इवन जो सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वो डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही एक वेव बनाते हैं वही एक थॉट प्रोसेस बनाते हैं जो फैमिली के ग्रुप्स में होता है वो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं तो बी इन्फॉर्म्ड तो ऐसे वॉरियर्स बनाने पड़ेंगे इफ वी वॉन्ट लीडर्स लाइक दिस टू ग्रो नेशनली इंटरनेशनली मेरा फिर से रिक्वेस्ट है एक बुक जरूर गिफ्ट करिए अगले एक हफ्ते में एक बुक किसी को इंडिया में है तो इंडिया में विदेश में है तो विदेश में .com, .in पे एक बुक पांच बुक दस बुक पांच पांच जरूर गिफ्ट करिए अपने फ्रेंड को खास फ्रेंड को खासकर ऐसे फ्रेंड्स जो एंटी योगी एंटी मोदी उनको तो जरूर, गिफ्ट है। <laughs> उनको जरूर आ, right. that's सही बात request, है शांतनु दिस वेरी गिविंग अस योर नॉलेज एंड होपुल आपको फिर एक बार वापस बुलाया जाएगा शो पर इसी तरह की चीजें के बारे में डिस्कस करने के लिए जाऊंगा शांतनुप्ता मेरा वेरीफाइड फेसबुक पेज है शांतनु युवा मेरा इंस्टा हैंडल है और ट्विटर में सबसे एक्टिव हूँ

by clicking the patreon link in the description other than that we'll see you for the thursday episode for the main podcast and the meme review until then stay happy stay healthy phir milenge, and tata bye bye